हेलो दोस्तों, सॉरी थोड़ा लेट आया लाइव। काफ़ी तेज़ बारिश हो रही है रोहतक। गौरव क्या हाल है भाई? अंकित और भाई, अरे नीरज क्या हाल है भाई? और गुरु थैंक यू सो मच यार, तुम लोगों ने मुझे मौका दिया लाइव आने का और मेरे व्यूज़ आपके सामने रखूँगा मैं। और प्रीतम कैसा है भाई? अरे सही बात है भाई, आवाज़ नहीं आ रही। आवाज़ तो आनी चाहिए यार। सो दोस्तों चलो बात करते हैं वॉलीबॉल जगत की। हाँ आवाज आ रही है गौरव? एक बार सारे भाई इकट्ठे हो जाएं, उसके बाद बात करते हैं। बिल्कुल बढ़िया प्रीतम भाई। तो गौरव का फोन नकली होगा, इसने ना आती आवाज। थोड़ी बारिश आ गई थी भाई, इस कारण थोड़ा सा लेट आया मैं लाइव। और आवाज स्लो आ रही है, सच बता भाई क्या सच बोल रही है? अरे वो भी भाई नमस्कार, कैसे हो? एक सेकंड भाई, ये बताइए भाई आवाज कैसी आ रही है? राजीव भाई राम राम। आ रही है भाई अब आवाज? हेलो, अरे वो भी भाई ने कह दी भाई ठीक आवाज आ रही। अरे तो दोस्तों चलो कुछ वार्तालाप करते हैं वॉलीबॉल के बारे में। फिलहाल मैं बता दूं आपको, सही आवाज़ आ रही है ना? हाँ अभी भाई कुछ टाइम से मैंने जैसे वॉली खेलना बंद ही कर रखा था, पर अभी जैसे लॉकडाउन चल रहा है तो सभी दोस्तों को, जितने भी अपने प्यारे भाई हैं, आपका बेस्ट टूर्नामेंट भाई, मेरा बेस्ट टूर्नामेंट निमोट का रहा है भाई। रिमोट में जब भी गया हूँ वहाँ पे पोजीशन ही आई है और एक काफ़ी अच्छा मैच रहा है, वो भी भाई वहाँ पे 4-12 से यूपी शास्त्री के साथ मैच लगा था हमारा और 15 पॉइंट का मैच था, 4-12 से हम जीते थे वो मैच, जिसमें भोंडू भाई अपना सेंटर था। और भी काफ़ी अच्छे अच्छे मैच रहे हैं और अभी थोड़ा सा खेला बंद कर रखा था वॉलीबॉल, और लॉकडाउन में जैसे अब देख रहा हूँ सभी भाई लाइव आ रहे हैं और अपने व्यूज़ रख रहे हैं, तो मुझे भी बोला गया भाई लाइव आओ अपने व्यूज़ रखो। तो मेरा तो यही है भाई, सबसे पहले एक इसका अच्छा सा एक पैटर्न बना लो कि क्या रूल होने चाहिए, ठीक है? कोई कहता है ड्रॉपिंग खेलेंगे, भाई मेरी फेवरेट टीम तो यार हमारे ग्राउंड की है, वो भी भाई भाई बेस्ट टीम तो एट प्रेजेंट तो देखो वही है,
हर एक टीम में सारे बढ़िया प्लेयर हैं। अरे भाई साहब, गुड आफ्टरनून, कैसे हो राजेश भाई? भाई बेस्ट टीम है आज के टाइम पे, देखो अंकित का सेट है जो, उसमें अपना नीटा और नीरज खेल रहे हैं, काफ़ी तगड़ा सेट है। और अपना जैसे मंचल भाई है, अरे प्लेजर भाई साहब, ठीक है। और अपना भाई बुंडू की टीम है, और अपना मंचल भाई है ना जो गढ़वाला, उसकी काफ़ी अच्छी टीम है, काफ़ी अच्छा सेंटर है। तो भाई बात मेरे अकॉर्डिंग जो मैं चाची भाई, अरे है चाची भाई बहुत अच्छा स्कोरर है संदीप भाई, चार चार पांच पांच का काफ़ी खेले चाची के साथ, हराया भी है हारे भी है। हमारे पास उधर आजादपुर रहता था दिल्ली में, वहाँ पे आता था खेलने, और उधर भी जहांगीरपुरी भी जाते थे खेलने उसके पास। अभी एट प्रेजेंट क्या हो रहा है, कोई भाई कह रहा है कि भाई ड्रॉपिंग छूट रहा है, कोई कह रहा है कि अपना क्या कहते हैं अनरैंड खेलेंगे, तो भाई और कई भाई कह रहे हैं कि पंजाब वाला रूल ले गया हो। तो मैं अपना पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू ये बताना चाहूँगा कि हम पंजाब वाला रूल क्यों लेके आए। हमारे यहाँ पे 6 प्लेयर ठीक है, 6 प्लेयर बेस्ट है, ठीक है। अब कोई कह रहा है वो टोचन पट्टी टोचन क्यों भाई, जो यहाँ पे चल रहा है वही चलाओ ना अपना, किसी कॉपी क्यों करें हम। बढ़िया सुरेंद्र भाई, अब दिल्ली साइड देख लो, दिल्ली में कितनी टूर्नामेंट होती है, दिल्ली में सारी जगह बंद है टूर्नामेंट, दिल्ली में ड्रॉपिंग होती थी। अब दिल्ली में अपना जैसे टीकरी है और एक दो गांव में, वहां भी क्या हो रहा है, अपना यही हो रही है थर्ड बॉल अनरैंड की टूर्नामेंट। तो भाई पहले सभी डिसाइड कर लो, और मेरा तो पर्सनल यही है कि भाई अनरैंड में सारी टीम इक्वल है, ठीक है। ड्रॉपिंग में क्या होता है, अपना जैसे बाबा है और अश्विन है, दो तीन लंबे लंबे स्कोरर है, ठीक फोड़ फाड़ के जाते रहे सारे ने, अनरेड में सारी टीम ने मौका मिला। बढ़िया संदीप बुंडू आ गया, एक यो भाई अपना संदीप बुंडू, बिल्कुल भाई बिल्कुल खराब हो जाए यार। भाई साहब विक्की क्या लबड़े भाई, टोचन वाला बिल्कुल बेकार है यार, ठीक जिसमें गट से अपना पट्टी मारो और अपना नंबर लो, बात खत्म यार, नीचे नेट कर लो, पंजाब में नीचे नेट रहते हैं, आप नीचे नेट कर लो, किसी कॉपी मत करो, अपना फॉर्मेट लेके आओ। भाई योगी टकले क्या हाल भाई, तो भाई बेसिकली मेरा तो अपना पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू यही है। और एक आजकल वो वही है ना कि जिसकी टीम जिसका सेट तगड़ा हो जाता है फिर उसे तोड़ने की सोचते हैं, उसमें रूल बना देते कि स्टेट ले आओ, डिस्ट्रिक्ट ले आओ, हैं पंचायती, अच्छा सिटी की एक जगह के 6 प्लेयर, गांव के 4, दो बाहर के खिला लो, ठीक ये ड्रामे बंद करो भाई, अपना ढंग का एक बनाओ बढ़िया सा, एक बढ़िया रूल, ठीक। जब ये फेडरेशन जो बना रहे ना, कोई ड्रॉप बॉल फेडरेशन, कोई कोई सी फेडरेशन, ये बनाने का जब भी फायदा है जब एक बढ़िया रूल होगा। अब ये जीते भाई है, पूरी मेहनत कर रहे हैं भाई अपने कि भाई थोड़ा सा इसने गेम ने अप्रोच करें और थोड़ा आगे लेके आवे, पर वही है ना अपने इंडिया की एक खास आदत है लेग पुलिंग की, कोई भी थोड़ा सा आगे बाजे लोग उसकी टांग खींचे कर रहे हैं भाई। चार चार में यार, चार चार में संदीप भाई खेलते थे वहाँ पे, अपना वो हिजो और वो भी जीतते थे, और भाई अपना चिराग दिल्ली सेट बहुत बढ़िया होया करता, और अपना यहाँ जनकपुरी वाले भाई है वे गलेरियर, ठीक चार चार का तो मजा ही अलग है भाई। तो भाई बेसिकली मेरा तो पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू यही है कि अपना बढ़िया सा एक रूल बनाओ, और जब वह फेडरेशन कामयाब होगी ना तो दो दूसरे दिन वो फेडरेशन खोल रहा है, वो फेडरेशन खोल रहा है, कोई फायदा नहीं। नैतिक राम राम भाई क्या हाल है नैतिक, जो नैतिक देख सो रहा स्टार नेट है। तो भाई पहले आपने डिसाइड कर लो किसने क्या करना है,
भाई बेस्ट नेट नहीं ना यार, ऑब्वियसली नहीं ना है उसकी, तो छोरे की ओढ़ नहीं होवे। टकला भी हो यार था अपना, अच्छा अपना एक गौरव है अपना, जो अपना दोस्त है बढ़िया भाई अपना, ठीक है। और अपना पथरेड़ी का लड़का है वो सोनू, सारे बढ़िया नेट है भाई। और जो भी खेल है भाई सारे बढ़िया नेट है, बालोट का और छोटा लड़का वही बढ़िया है। विपिन भाई जी, विपिन भाई तो अपने इंडिया टीम के कैप्टन है, उनके बारे में क्या कहूँ, दो शब्द क्या जितने मर्जी कह लूँ वो भी भाई कम ही पड़ेंगे। ठीक, गुरु जी वो हमारे, उन्होंने तो खेलना सिखाया हमें, बिल्कुल बढ़िया टकले भाई। और भाई अभी जैसे अभी तो ये फेडरेशन से आपकी राय क्या रूल बनना चाहिए इसमें, सारे खेल सके भाई वो भी भाई यही है, 6 प्लेयर का अंडर हैंड, ठीक है, नेट की हाइट अपने डिसाइड कर लो, 7, 10, 11 जो भी है, ठीक। और बस यही है बेस्ट भाई, ठीक है, उसमें डिसाइड कर लो, पंचायती तो पंचायती, ये जो मिक्स करे ना दो बाहर के एक भीतर का, ठीक, वो फिर सारे खातर करो। अब सिटी की है, सिटी कौन सी सिटी थी जिसमें भाई ऐसा जो आज तक टूर्नामेंट लगातार 8 आई हो, देख रो तक मेरे हिसाब में अपना जींद है, बहादुरगढ़ है, सोनीपत है, तो बता दो इसमें तो कौन सी टीम जीते हैं। उसमें नूली यो रूल बना दिया अब भाई, सारे अपने एक सिटी के होने चाहिए, के मतलब है यार। खैर हमारे यहाँ तो रोहतक के तुम देखते हो खेलते नहीं, और पंचायती टूर्नामेंट भी भाई वो है, अगर करो तो फिर सारा खातर एक रूल होना चाहिए, नहीं कि गांव खातर कुछ शहर खातर कुछ, के खाम खाई ड्रामा है ये, अपना एक रूल बनाओ और उसके अकॉर्डिंग चालन दो जिसमें गट से अपना जीतो भाई। तो मेरा तो पर्सनल यही है, और बाकी ये जो फेडरेशन है, फेडरेशन कामयाब जब भी है कि भाई आज अब तो अब सुनने में आ रहा था ये 4-5 फेडरेशन बनी पड़ी खाम खा गई, ठीक है, ये क्यों कामयाब क्यों नहीं आ रही ये बताओ। कामयाब जब होगी ना भाई, जब कोई एक एक पैटर्न होगा, ठीक है, कोई कहता है भाई ड्रॉप खेलेंगे, जिसके पास लंबा स्कोरर है वो चाहेगा कि ड्रॉप खेलेंगे, सही कह टकले, सही कह भाई, तेज ही बोल रहा हूं मैं तो, आवाज नहीं आ रही क्या। गुरंग गुरंग भाई हाँ, मतलब उस टाइम तो मैंने खेलना भी स्टार्ट नहीं किया था उस टाइम, वैसे मतलब हमारे रोहतक की चर्चा रही है टूर्नामेंट के मामले में, ठीक है। और तो यहाँ पे बेसिकली पहले मुझे याद है 11,000 की मेरी नज़र में सबसे पहली टूर्नामेंट हम लोगों ने करवाई थी रोहतक में, और उस टूर्नामेंट में बारिश आई थी, उसके बाद भी करीबन करीबन 60 टीम आई थी और हम लोगों ने वो इंडोर टूर्नामेंट करवाई थी यहाँ पे। तो उस टूर्नामेंट में देखा था गुरंग भाई हमने, हाँ उसकी काफ़ी तारीफ भी सुनी थी, देखा भी था, लाइव भी देखा था उसको, वो पट्टी पे बॉल चलाता था, ठीक है। खैर वो टूर्नामेंट अपने सुनील भाई है दिल्ली वाले, बड़े भाई हैं, उन्होंने जीता था भाई। जो वॉलीबॉल खेल ले वो है बहुत है, नेट भी खेल अगर तो सारी जगह खेल ले भाई, सारी जगह मज़ेदार है। जितनी मर्जी हाइट दे ले भाई, वजन ला लिए कैसी बात पूछ रहा है दोस्त। भाई मैं तो करीबन ऐसा ही 2006-07 के आसपास स्टार्ट कर दिया था हमने खेलना भाई, छोटा सा था, जैसे अंकित तुम्हारे है ना वो बच्ची नेट, ऐसे ही मैं भी नेट खेला करता था भाई। और उसके बाद ये रूल अंडर एंड आई, खेलने लगे आगे पीछे। अरे रमन भाई तेरी बात देखूँ था भाई, राम राम, आ जा दोस्त तू आ जा। राहुल भाई संजीव बेटा, भाई उनके बारे में जितना कहूँगा उतना कम है, और उन्होंने बता दूँ मैं आपको, शायद सभी लोगों को ना पता हो, उन्होंने अपना एक पर्सनल प्लॉट ले रखा है और उसमें ग्राउंड बना रखा है, ठीक है, छोटी से लेके बड़ी हर एक चीज़ वो अवेलेबल करते हैं हम सभी के लिए, नेट हो, बॉल हो, लाइट्स हो, जो मर्जी कुछ भी हो, ठीक है। वैसे संदीप बूटा जो है मामा जी लगते हैं, पर वो क्या है, आप लोग देखते भी होंगे हमारे टूर्नामेंट में आते भी होंगे, इतने अच्छे ऑर्गेनाइज करते हैं टूर्नामेंट, और आपको पता भी होगा आई थिंक
जहाँ तक मुझे पता है सबसे ज़्यादा टीम भी हमारी टूर्नामेंट में ही आती है, तो उसका सारा क्रेडिट हमारे जो संदीप उडावनी को ही जाता है। ना भाई, 9-10 का था नहीं, मैं 15-16 साल का जब स्टार्ट करा है, 10-12 साल हो गए था हूँ खेलते। माइक मुंह के पास ही है यार, ले और पास कर लिया। भाई बढ़िया भाई, प्रदीप भाई, मोनू बिल्कुल बढ़िया भाई। संदीप हुड्डा के बारे में नीरज भैया भी बताया था, फिर बता दूं, उस जैसा लिटरली बता रहा हूँ, ऐसा इंसान मिलना ही मुश्किल है, ठीक है। और मतलब जो वो मैनेजमेंट को क्रिएट करते हैं, ठीक है, सारी चीज़ों को हैंडल करते हैं, और काफ़ी कूल इंसान है, तो उनके बारे में तो जितना बोलूँगा उतना ही कम रहेगा, ठीक है। आप लोग देखते हो टूर्नामेंट में आते हैं सभी टीम, और देखते हो यहाँ की कैसी मैनेजमेंट रहती है, कैसे ऑर्गेनाइजेशन रहती है हमारे यहाँ की, सब कुछ हमारे संदीप हुड्डा जी करते हैं। हम तो बस एक जरिया उनका, जिन्होंने उन्हीं के थ्रू खेला सीखा, और आज अभी जितने सारे भाई जानते हैं मुझे, तो इन सभी का सारा क्रेडिट संदीप हुड्डा को ही जाता है, उनकी वजह से हमने खेलना सीखा था। अरे हाँ, ये अपना नीरज भाई, ये कौन सी टीम है भाई इसकी, रमन कुमार की, पूछ यार, ये बता रहे फेक आईडी कौन है, वो पूछो इससे। लक्की सरदार भाई, लक्की सरदार भी प्लेयर था यार, उसका तो याद है मेरे, 1 लाख की टूर्नामेंट हुई थी अपना जल विहार में, मयूर विहार, जल विहार जा भी, तो वहाँ पे लक्की सरदार के लिए बोला गया था, इस पे बॉल मारते ही पता नहीं, हाँ प्राइज भी रखा था, तो उसने बॉल लिखाई थी। और भाई हाड़ी निमोट, मुझे याद है मेरा पहला टूर्नामेंट था इधर रेवाड़ी साइड में, अपना चांदावास गांव में हुआ था, उधर भी हाड़ी भाई हमसे 12-3 से आगे चल रहा था, और सेमीफाइनल मैच था, और वो मैच हम जीते थे। तो भाई हमने देखा हाड़ी भाई की एक खास क्वालिटी है, शॉट पे शॉट मारता हाड़ी भाई, ठीक है, बहुत ही मतलब लिटरली एक आध प्लेयर ऐसा होता है। नीरज भैया, चिंटू नीरज भैया बड़े ही कमाल के हैं, काफ़ी अच्छे शॉट लगाते हैं ग्राउंड में। सतपाल जी के बारे में क्या कहे, सतपाल जी का सभी को पता है, मामा है मेरे, और वो भी टीम सेटलमेंट में काफ़ी अच्छे हैं, काफ़ी अच्छे प्लेयर हैं, सेंटर खेलते हैं हमारी टीम के, और उन्होंने भी काफ़ी टूर्नामेंट जितवाए हमें। मुझे याद है एक अपना पंचायती टूर्नामेंट था निमोट में ही, तो फाइनल मेरा अंकित भाई चोपर थ्रेडी वाला उसके साथ था, और वहाँ पे जीते थे हम पंचायती टूर्नामेंट में, तो इन्हीं की बदौलत जीते थे। भाई उस टाइम तो यार ये दो नामी ग्रामी अपने लोकल में यही होया करते, अपना जोनी भाई होया करता, बुंडू भाई होया करता, ठीक है, तो काफ़ी अच्छे प्लेयर है दोनों, ड्रॉपिंग के काफ़ी अच्छे प्लेयर रहे हैं, अभी भी है, खेलते हैं अभी भी, और बुंडू तो भाई हर फॉर्मेट में बेस्ट अलड़ गया, अपने साथ खेलता है बुंडू। अरे लक्ष्य है, क्या हाल है भाई, भाई वो भी भाई मैं बता दूँ, मैं तो पहले जब नेट खेलता था तो हमारे ग्राउंड का एक लड़का है बिंदा, ठीक है, उस टाइम हम जंप जंप की टूर्नामेंट भी कहीं कहीं होया करती, तो उस टूर्नामेंट में किए था भाई हमने अपना, मुझे याद है अपना 2-3 जगह ऐसी हुई है जहाँ पर जोनी भी था, बुंडू भी था, अपना नीटा भाई भी था, चकदे भाई भी था, और अपना दानवीर भाई सेंटर थे, ठीक है, ये सारे भाई इकट्ठे हो रहे थे, और हम अपना पुंदर था, मैं था, और 4-5 भाई थे, तो अपना जंप पर हराए थे, काफ़ी जगह हराए, 2-3 जगह हराए, 1-2 जगह हारे भी, तो भाई मेरे अकॉर्डिंग तो सबसे बेस्ट है अंडरहैंड भाई, वो भी भाई, और हिमांशु बाबा आ गया, बाबा भाई साहब राम राम, फोगाट भाई साहब आवाज़ नहीं आ रही, आवाज़ तो आनी चाहिए भाई साहब, पता नहीं इसमें कुछ दिक्कत आ रही है यहाँ पे, फिर शायद नेटवर्क इश्यू होगा कुछ, आवाज़ तो काफ़ी तेज़ बोल रहा हूँ मैं। तो मेरा पर्सनल वो भी भाई मैं बता दूँ, सबसे पर्सनल फॉर्मेट यही है कि 6 प्लेयर का अंडर एंड बस, ड्रॉपिंग में यो बाबा आ रहा है, बताइए फोड़ फाड़ के जाता रहे है, ठीक
कर ले इसका गैस भी न छोरा नया छोरा वो ही फोड़ फाड़ के जाता रहे। योगित भाई मेरा बेस्ट टूर्नामेंट तो नबेरा यार, भाई भाई क्लब के खिलाफ खेले थे आपा, निमोर्ट में खेले थे और फर्स्ट आए थे। भाई विक्की शकुरपुर वाला अल्टीमेट प्लेयर है, छोटे सेट में छोटे फॉर्मेट में काफ़ी अच्छा प्लेयर है। भाई साहब रमेश भाई साहब नमस्कार, हरियाणा की तरफ से भी आपको हार्दिक अभिनंदन, और काफ़ी अच्छे प्लेयर हो, इंसान भी काफ़ी अच्छे हो रमेश भाई, आपकी टीम भी काफ़ी तारीफ लायक है, काफ़ी अच्छी टीम है आप लोगों की। मेरी बिल्कुल भाई विपिन भाई को सपोर्ट करो, काफ़ी अगर फ्यूचर देख रहा है वो, सॉरी कॉल आ गई थी भाई की, अगर आप लोगों को वॉली का फ्यूचर देख रहा, सॉरी भाई ये फ़ोन कर रहा है बार बार इस वजह से कुछ दिक्कत है। पूछ यार पूछ, नीरज कौन है, रमन कुमार भाई काफ़ी परेशान कर रखा है इसने। तो भाई बेसिकली अगर फ्यूचर देखना है तो अपने विपिन जी हैं उनको सपोर्ट करो, ठीक है। इस मतलब मुझे तो खैर नहीं पता, मैंने तो पिछले 7-8 महीने से खेलना ही बंद कर रखा है वॉलीबॉल, अभी लॉकडाउन में स्टार्ट किया है। गुड़गांव रह रहा हूँ एट प्रेजेंट मैं, तो अभी घर आ रखा हूँ रोहतक, इधर खेल रहे हैं डेली हम लोग। बट वैसे बेसिकली बता दूँ, अगर इसका फ्यूचर कुछ देख रहे हैं वॉलीबॉल जगत का, तो अपने विपिन जी है ना जो भाई, उनको सपोर्ट करो। आगे आवाज़ बढ़िया था नहीं तो भाई भाई मेरी मेरी नज़र में एट प्रेजेंट बेस्ट सेंटर है भाई मंचल भाई, ठीक है। अपना अंकित भी बहुत बढ़िया सेंटर है, नीटा भाई ड्रॉपिंग का सेंटर है, और अपना अंडर एंड में भी खेल आगर है, ठीक है। और अपने जो मेरी टीम होती थी, हमारी टीम होती थी, उसके सेंटर थे अपने दानवीर भाई, वो भी मेरे काफ़ी पसंदीदा सेंटर हैं, काफ़ी अच्छा खेलते थे, अब भी खेलते हैं। तू सारे के बारे में तना बाद में बताऊंगा मैं, संदीप कुमार सिंह चैर सारे के बारे में बताऊंगा तना डट जा तू, ठीक। या पहला थोड़ी अंडर एंड की बात चल रही है, भैया ने बता दे। तो भाई गुंडू भाई भी सेंटर है, तगड़ा सेंटर है गुंडू ने, तो खैर जित मर्जी खिला लो, ठीक है। तो भाई मेरे अपना कमल भाई है, यही आज के टाइम 4-5 बेस्ट सेंटर। रवि है बहादुरगढ़ वाला भाई, वो भी अल्टीमेट फोर्स है यार, उसके पास भी ज़बरदस्त खेलता है भाई, खेले उसके साथ भी। भाई ड्रॉपिंग तो ललित भाई ख़त्म ही हो गई यार, अब जिसके पास लंबा स्कोरर है वो तो अप्रोच कर रहा है कि चलो खेलेंगे, ड्रॉपिंग खेलनी चाहिए, ड्रॉपिंग खेलनी चाहिए, बाकी कोई नहीं चाहता कि ड्रॉपिंग हो भाई, ठीक है। सभी यही चाहते हैं कि भाई अपना अंडर एंड हो। भाई साहब बिल्कुल नीटू भाई बहुत अच्छे सेंटर है, हमारे इधर लोकल जो हमारी टीम है उसमें काफ़ी अच्छे सेंटर है अपने भाई कसरेटी के मास्टर जी, काफ़ी अच्छी फोर्स भी है, पट्टी भी काफ़ी अच्छी लगाते हैं नीटू भाई, काफ़ी अच्छी टीम रही है, अब तो खैर कम ही कर रखा है कसरेटी वालों ने खेलना। भाई बेसिकली देखो मैं तो यही कहूँगा, हाँ बिल्कुल, अरे भाई वही है नीरज भाई, जैसे मर्जी कर लो, वही है जिसके पास लंबा स्कोरर है, वो हाइट अब के करे हैं जानबूझ का नीचे करते हैं एंटरटेन खातर, कि हाइट और थोड़ी नीचे कर दो बॉल और तेज लगेगी। ये बाबा है यार कमल, अपना दिनेश भाई है, ठीक है, अश्विन है, अपना नवीन है भगते का, ये लंबे लंबे स्कोरर फोड़ फाड़ के जाते रहे। अनिल पंडित जी काफ़ी अच्छे प्लेयर हैं, अनिल भाई अपना दिल्ली पुलिस में है, अपना पंचायती सेट में सेंटर खेलते थे, अभी भी खेलते हैं सांपला के, अनिल पंडित जी काफ़ी अच्छे प्लेयर है वो भी भाई।
अभी देखो मेरा पॉइंट ऑफ व्यू क्या है कि हम रेवाड़ी की साइड जाते हैं खेलने टूर्नामेंट। वहाँ पे एक तो सबसे अच्छी बात मैं बता दूँ, रेवाड़ी की जितनी भी टूर्नामेंट होती है उनकी तारीफ करूँगा। वहाँ पे एक तो फेयर होता है, सेकंड थिंग क्या होता है कि उनका खाना पीना तो चलो आज के टाइम सारी जगह होता है, और पूल बना के नेट की आई ठीक। उनको मतलब उनका ये मकसद नहीं रहता कि हमें अपनी टीम को आगे पहुंचाना है या फिर अपनी टीम गांव की टीम फाइनल में खेलानी है। खैर वो काम तो सारी जगह बंद हो रखा है, तो सबसे बेस्ट वही यही है, अपना अच्छे अच्छे प्लेयर हो। सिंटू भाई राम राम, ठीक है। और वो डिसाइड कर लो एक बार, जितने भी अपने बड़े भाई हैं जितने भी सीनियर प्लेयर हैं वो डिसाइड कर ले कि ये पंचायती होना चाहिए, ओपन होना चाहिए, ओपन में क्या रूल होने चाहिए, ठीक है। उसी के बाद इस गेम का कुछ फ्यूचर है, नहीं तो अब वही ये ड्रामे चलते हैं। वहाँ पे टूर्नामेंट है, वहाँ पे ये रूल बना दिए कि भाई स्टेट की खेलेंगे, हैं दिल्ली में हरियाणा वाला नहीं खेल सकता, डिस्ट्रिक्ट के होने चाहिए, ड्रामे भाई ये सारे। और एक यो ये रीज़न है जिसकी वजह से गेम आगे नहीं पहुंच पा रहा, ठीक है। जोन सी टीम भी जो जिस भी टीम का सिक्का चाला है उसमें फिर कमी ढूंढ रहे हैं कि इस टीम ने हराण खातर के रूल बनाया जा, ठीक है। तो ये ड्रामे बंद हो जाएंगे जब भी कुछ फ्यूचर है इस गेम का, नहीं तो बस अपना वही है, अपना पंचायती टूर्नामेंट, यही 20-21 हज़ार के 11 हज़ार के टूर्नामेंट होते रहे, खेलते रहो बस। इस फालतू तो और कुछ नहीं है फिर इसमें अपने, ठीक। तो अपना डिसाइड कर लो, मानी या तेरे मुंह पर बोल लग गई 7-6 की हाइट, ठीक 7-10 की सबसे बेस्ट हाइट है। अरे तई भी हरियाणा में खेला भाई, छोरे की उड़न जॉब लग रही है, तई बुढ़े खेल रहे है ना, तो हरियाणा में ना खेला करते यार। पहला रवि के साथ भी खेले थे, हम गए थे जयपुर, एक टूर्नामेंट याद है मेरे, ड्रॉपिंग की टूर्नामेंट थी और जीत के आए थे। हाँ वो भी भाई खेला है मैंने, अपना कानावास माजरा की टूर्नामेंट, दो टूर्नामेंट खेली है मैंने और दोनों में फर्स्ट आए थे हम वहाँ पे। एक आपके साथ, आप भी हमारी टीम के सदस्य थे, जीते थे। अरे गौरव मैं के तू भी प्लेयर है यार, हम प्लेयर पर प्लेयर तो कुछ नहीं भाई है बस, अपने इस वॉलीबॉल के थ्रू 2-4 प्यारे भाई है मेरे। गौरव है जैसे अपना काला मेरा भाई है, काफ़ी अच्छा दोस्त है, काफ़ी अच्छा इंसान भी है, काला पीरा गड़ी वाला। नेट के नीचे कौन मारेगा? अरे भाई नेट के नीचे तो कोई ना मारता। तो मैं बता रहा था रवि की बात चल रही थी, तो हम एक जयपुर खेल गए थे ड्रॉपिंग की टूर्नामेंट। बाबा भी था, मैं था, जयदीप था और विकास था भाई अपना और मोटा दिमानिया। वहाँ पे हमने दोनों तीनों टीम थी जो, तो वहाँ पे खैर उनका अलग अलग सेट था, तो हमारा ही थोड़ा हावी सेट पड़ रहा था। वहाँ पे हम जीत के आए थे, वहाँ पे रवि ने एक तरफा जितवाया था भाई, एक सेट बाबा ने और फाइनल। अरे चक दे भाई राम राम, ये देखो भाई चक दे भाई अपने, इनका देखो आज के टाइम पंचायती सेट कितना अच्छा है। भाई राजेश भाई काफ़ी अच्छे प्लेयर हैं, ड्रॉपिंग में काफ़ी अच्छा खेलते हैं और अंडर एंड में काफ़ी अच्छा सेंटर खेलते हैं। तो भाई बेसिकली मेरा तो यही मानना है कि जैसे अब देखो नई नई टीम भी उभर के आई है, सकदे भाई की टीम है, पंचायती कितना अच्छा खेल रही है, जीतती है, पोजीशन मारती जा भी जाती है, ठीक है। और भी अपने जैसे नजफगढ़ की टीम है भाई, अरे है लड़के बढ़िया भुंडू भाई अपना, इसने देख लो उस्ताद है भुंडू भाई अपना, इसकी गले खेलिया करते, इकट्ठे खेलिया करते हम, तो ये बंद कर रखे है भाई भी अपना पोजीशन मारे है। और हनुमान भाई वेरी गुड वेरी गुड, तो भाई अभी मेरा यही मानना है, एक तो वो चीज़ बंद कर दो कि एक बढ़िया सेट बना के उसमें जिसमें देखो 12-12 13-13 प्लेयर हो रहे हैं, वो चीज़ बंद कर दो। एक अपना वही है 7-8 5-6 प्लेयर हो, 6 प्लेयर है तो 2 प्लेयर एक्स्ट्रा बस, अपना 8 प्लेयर होने चाहिए अपना, कुछ ऐसा डिसाइड करो ना भाई। किसी
फोर्स ज़्यादा लगती है, मंशल रवि या और कोई हो तो उसमें। भाई रवि की अल्टीमेट फोर्स है, मंशल की भी है, अपना अंकित पथरेड़ी वाला भाई है उसकी भी काफ़ी अच्छी फोर्स है, ठीक है। चकदेव भाई है, चकदेव काफ़ी अच्छा सेंटर खेल लग रहा भाई। तो भाई डिसाइड कर लो, अगर आप लोगों को ओपन खेलना है तो ओपन में डिसाइड कर लो, छः प्लेयर हो, पहले तो फॉर्मेट डिसाइड कर लो, छः प्लेयर होने चाहिए या कितने। आप पंजाब में भी आया करो भाई, एक आधी टूर्नामेंट खेल लिया हमने पंजाब में भी, दो तीन टूर्नामेंट खेल लिए वहाँ पे, सिरसा साइड भी खेल लिए मैंने। हाँ अपनी टीम भाई सांपला के नाम से आते हैं, हम जो भी दो तीन बार गए हैं सांपला के नाम से हमारी टीम आई है वहाँ पे, सांपला रोहतक के नाम से। रमेश भाई देखो मैं बताना चाहूँगा आपको एक मजबूत, मेरा सुझाव यही है कि ना एक तो पहले डिसाइड कर लो, जितने भी जैसे आप सीनियर प्लेयर हो सभी, एक पहले एक वही है ना इसका लेवल डिसाइड करो, जीते भाई बढ़िया। तो मेरा तो देखो ये मानना है कि पहले एक लेवल डिसाइड करो। अरे अंकित क्या हाल है भाई, बिल्कुल बढ़िया। रमेश भाई की बात का जवाब देना चाहूँगा मैं कि ना पहले डिसाइड कर लो कि जितने भी हमारे सीनियर प्लेयर है कि इस गेम को ओपन करना है या पंचायती करना है, ठीक है। अब चकते भाई का देखो आया ऐसे व्यू आया है कि ओपन करो, तो पहले डिसाइड कर लो ओपन करना है पंचायती करना है। अगर ओपन करना है तो डिसाइड कर लो कि छः प्लेयर का करना है, ठीक है, या आठ प्लेयर का, सात प्लेयर का करना है, एक एक्स्ट्रा दो एक्स्ट्रा, वो सारी चीज़ पहले डिसाइड कर लो। अरे अश्विन क्या हाल है भाई। तो रमेश भाई मैं आपकी बात पर फिर से आता हूँ, तो मेरा यही है कि पहले डिसाइड हो ना, उसके बाद ही कुछ फाइनल होगा। अब मैं यहाँ पे बता दूंगा कि ऐसे ऐसे, मेरे अकेले से थोड़ी होगा, आप सभी को इकट्ठा होना पड़ेगा, ठीक है। अपना आप जैसे आप अपना राजस्थान से खेलते हैं, ठीक है, हरियाणा के, यूपी के, पंजाब के, दिल्ली के, जितने भी है ना, अपना बेसिकली यहीं की ज़्यादा चलता है टूर्नामेंट, यहीं वॉलीबॉल ज़्यादा खेला जाता है। तो सबसे पहले डिसाइड कर लो कि ओपन करना है पंचायती करना है, पंचायती करना है छः प्लेयर का करना है, सात का करना है, नेट की हाइट क्या होनी चाहिए, ये सारी चीज़ डिसाइड होगी जब ये इस गेम का कुछ फ्यूचर है, जब इस गेम को थोड़ी अप्रोच मिलेगी, आगे बढ़ेगा ये गेम। नहीं तो वही है रमेश भाई, खेलते रहेंगे, ठीक है, वहाँ 11,000 की टूर्नामेंट है, वहाँ 21 के, वहाँ 31 के है, कुछ नहीं, यही खेल के, ठीक है। इस चक्कर में क्या है कि जो अपने यंगस्टर हैं वो खेलते हैं भाई, उनको ये एक एक चीज़ देखी मैंने, मैं अपना पर्सनल सुझाव दे रहा हूँ आप लोगों को कि इसका ना कीड़ा बहुत तगड़ा वॉलीबॉल का, ठीक है, और सभी जितने भाई भी खेलते सभी के कीड़ा होगा वॉलीबॉल का। तो क्या है कि इस चक्कर में अब ये 21,000-11,000 की टूर्नामेंट, चलो एक एक जैसे मान लें अंकित भाई की टीम है, अंकित पथरीडी वाले की, या अब एट प्रेजेंट सबसे ज़्यादा टूर्नामेंट यही लोग जीत रहे हैं, ठीक है, ये कब तक और 2 साल 4 साल 5 साल जीत लेंगे, उसके बाद क्या कुछ नहीं, नई टीम, एक नई टीम आ जाएगी। तो भाई पहले या तो कुछ इसका फ्यूचर हो इस गेम का, फिर तो आदमी सोचे भाई इसमें करियर देख रहा है मुझे अपना, उसके बाद कोई स्कोप नहीं एग्जैक्टली भाई ने लिखा है, ठीक है। अरे जॉन सीना कैसा है भाई, ठीक है। तो पहले इसका डिसाइड कर लो, अगर इसमें कुछ स्कोप है जब ही खेलने का फ़ायदा ना। ये देखो मैं बता रहा था आपको, मैंने खेलना बंद कर दिया भाई गुड़गांव में, मैं आपको बता दूँ पर्सनली, उधर प्रॉपर्टी का काम स्टार्ट कर रखा है, किसी भाई को अगर कुछ चाहिए वहाँ पे फ्लैट वगैरह प्लॉट वगैरह तो मुझे प्लीज़ कॉन्टैक्ट भी कर लेना, ठीक है। मैं भी थोड़ी अपनी एडवर्टाइजमेंट कर रहा हूँ। तो यही है भाई आज के टाइम क्या है, तो अपना 2-4 साल खेलते हैं उसके बाद सोचते हैं भाई अपना काम धंधा करेंगे सारे। तो पहले इसका अगर कुछ फ्यूचर होगा, और फ्यूचर हमारे हाथ में ही है भाई, हम डिसाइड करेंगे जब भी कुछ होगा, ठीक है। नहीं तो ये ऐसे ये बीसी कटती रहेगी सभी की कि भाई वहाँ 21,000 की टूर्नामेंट है, चलो ठीक 8-7 बढ़िया बढ़िया प्लेयर छाटे, अपना बढ़िया सेट ले गए, जीत लाए, किया है 2-4-5 साल कर लेंगे, उसके बाद किया कुछ भी नहीं। एग्जैक्टली सिकंदर भाई, बिल्कुल मेरा भी बिल्कुल यही मानना है। और ये जब भी बनेगा ना, जब इसमें कुछ होगा, सॉरी किसी का कॉल आ गया था, सॉरी फॉर इंटरप्शन। तो देखो वही है ना, इसलिए
बार एक कॉल आ गया था दोस्त का, अश्विन उल्यान अकेडा रेवाड़ी के भाई के पर्सनल कमेंट चल रहे तुम लोगों के। अच्छा अकेडा का अश्विन की फेवरेट टीम है विक्की भाई है, चलो छोड़ो। हाँ भाई एक भाई थे अपने सिकंदर भाई, हाँ उन्होंने अभी लिखा है, देखो कमेंट पढ़ो कितना अच्छा कमेंट लिखा उन्होंने कि उन्होंने अपने बेटे को फुटबॉल में डाल दिया। आप मतलब वही है ना कि सभी ने देखा इसमें करियर है नहीं भाई, कोई स्कोप है नहीं, तो इससे अच्छा वही है कि अपना कुछ और ऐसा गेम सेलेक्ट करे, कोई इंडिविजुअल गेम हो या फिर जैसे टीम गेम है फुटबॉल है और भी जैसे कई गेम है क्रिकेट है, तो सभी वही सोचेंगे ना, सभी सभी पेरेंट्स यही सोचेंगे कि उसके बच्चे का अच्छा ब्राइट फ्यूचर हो तो उसी गेम में आगे भेजेंगे। क्या हो गया अश्विन, किसके बारे में तो रिपोर्ट क्या चल रहा है भाई तुम्हारा? यो अरे विक्की डट जा के तू ये डॉट 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 लिखने लग के भाई। तो भाई देखो बेसिकली वॉलीबॉल की बात हो रही है, मेरा तो यही मानना है कि छः मतलब अब मैं अपने पर्सनल व्यू दे रहा हूँ, 6 प्लेयर की टूर्नामेंट होनी चाहिए, ओपन पंचायती डिसाइड कर लो, नेट की हाइट 7-10 होनी चाहिए, टोचन फाउल होना चाहिए, ठीक है, कैची वैची कोई फाउल नहीं, बस यही है भाई मेरी पर्सनल जो थॉट है इस गेम को लेके यही है एट प्रेजेंट। इसमें सारी टीम इक्वल्स हो जाती है, सबसे अच्छी बात ये है। अच्छा बेटे खत्री आई आवाज जीब, ये हमारे सुमित खत्री नेट खेलता है, ग्राउंड का प्लेयर है, काफी अच्छा नेट खेलता है भाई। भाई निन्ना यार, निन्ने के बारे में मतलब क्या ही कहूँ यार, अल्टीमेट है। एक पहले अपना यमुनानगर का नेट होता था, उसका नाम भी शायद राहुल ही था जितना मुझे पता है, और एक निन्ना भाई अल्टीमेट नेट हो ये, ठीक। निन्ना निन्ना मतलब अभी एट प्रेजेंट भाई सबसे ऊपर निन्ना है। आवाज़ आनी चाहिए दोस्त, आवाज़ तो काफ़ी ठीक है यार। अब आ रही है सिंटू भाई, आवाज़ आ रही है अब? और अब मैं बात करूं जैसे पर्सनल जो मेरी टीम आज तक जिसमें मैं खेला हूँ, दानवीर भाई के साथ भी खेला हूँ, रुंडू के साथ भी खेला हूँ, ठीक है, और भी हमारी हमने काफ़ी अपने नए नए प्लेयर की टीम बनाई थी, जैसे जयदीप है, जयदीप के बारे में कहूँगा भाई मैं। विक्की सोनीपत भाई इंसान भी काफ़ी अच्छा है और प्लेयर तो है ही भाई, काफ़ी अच्छा सेंटर है और काफ़ी बढ़िया दोस्त है अपना यार। एक सेकेंड भाई हटाओ, भाई एक बार बताना अब आ रही है आवाज, मैंने ब्लूटूथ लगा रखा था हटा दिया। हाँ सो रमेश भाई मेरा तो देखो यही मानना है, हाँ जैसे तेरी कॉल फिर लेंगे आवाज, समझ नहीं आया भाई क्या कह रहा है तू, ब्लूटूथ लगा रखा था वो हटा दिया मैंने, शायद अब वॉइस मेरी क्लियर होगी आप लोगों तक। ओके खत्री, तो भाई अभी मौका है, अभी टाइम भी है, ठीक है, सारे जितने वॉलीबॉल जगत जो भी खेलता है, जितने प्लेयर भी खेलते हैं वो वॉलीबॉल जगत के, सारे डिसाइड कर लो किसका क्या फॉर्मेट होना चाहिए, ठीक है, कितने प्लेयर की टूर्नामेंट होनी चाहिए, उसके बाद ही कुछ हो सकता है, नहीं तो वही है अपना खेलते रहो। अरे मैं सारे के बारे में एक बार बता दूं भाई, सोनीपत की टीम है एक, उसमें परवेश भाई एल भाई का आ रहा है जिसने, काफ़ी अच्छी साइड है, अश्विन तू बढ़िया स्कोरर है, विक्की भाई बढ़िया है, अच्छा अपना लेफ्ट है वो भी काफ़ी बढ़िया है, और कमर है क्या अश्विन तेरा?
भाई जयपुर कमल जयपुर अल्टीमेट सेंटर है भाई, कोई तोड़ नहीं उसका हर फॉर्मेट में। मीडियम भी खेलता है कमल जयपुर भाई, ड्रॉपिंग भी खेलता है ठीक है, और अनरेड भी खेलता है, तो काफ़ी अच्छे सेंटर है, काफ़ी अच्छा खेलते हैं कमल भाई अपने। और अब देखो मैं बताऊँ आपको एक बात, जैसे कई कह देते हैं कि ड्रॉपिंग कर लो चालू, ड्रॉपिंग कर लो चालू। अब ड्रॉपिंग में क्या है भाई, जितने भी प्लेयर अनरेड खेलते हैं वो सारे फेल हैं, जितने भी रेवाड़ी साइड के अपने भाई खेलते हैं वो ड्रॉपिंग ना तो उन्होंने कभी खेला आज तक, वो सिर्फ अनरेड खेलते आए हैं। तो वो खेलेंगे तो क्या फ़ायदा, वो तो एक तरफ आ रहेंगे ना भाई। अब जो हम ड्रॉपिंग खेलते हैं वो भाई अनरेड ईजिली खेल लेते हैं। विनय भाई, खोखर भाई, राम राम। तो भाई वही है अनरेड, अगर इस भाई काले भाई कौन से, रमेश भाई एक बार याद दिलाओ। भारत भाई नमस्कार भाई जी, बड़े भाई रमेश भाई, काले कौन से काले भाई की बात कर रहे हो आप, पहचाना है मतलब है मेरी जान पहचान में दो तीन काले भाई है, कटवारिया सराय का काले भाई है और मेरा दोस्त है पीरागढ़ी का काला। अरे काले भाई बिल्कुल फर्स्ट क्लास यार, काला भाई है। देखो मैं इसके बारे में दो वर्ड्स कहना चाहूँगा, काफ़ी अच्छा इंसान है ये, काफ़ी अच्छा मेरा बहुत ही काफ़ी नज़दीकी, काफ़ी पर्सनल तो क्या, काफ़ी क्लोज फ्रेंड है मेरा ठीक है। और टूर्नामेंट जो भी पीरागढ़ी में यही भाई करवाता था, और काफ़ी अच्छे टूर्नामेंट रहे हैं, यादगार टूर्नामेंट रहे हैं पीरागढ़ी के। विनय भाई अपने उधर ध्यान नहीं मुझे, अंबाला साइड जॉब करते हैं और काफ़ी अच्छे हैं खत्री भाई, विनय भाई हमारे। और मैं आपको बताना चाहूँगा, जैसे आप लोगों से पूछना भी चाहूँगा, हमारे इधर विशाल अगर रोहतक में टूर्नामेंट हुए हैं आज तक जितने भी, अच्छा, तो भाई मैं जैसे पूछना चाहूँगा कि आप लोगों ने आए भी हो, देखा भी होगा हमारे इधर की टूर्नामेंट, हमारी जो भी हम ऑर्गेनाइज करते हैं टूर्नामेंट प्राइज़ को लेके ठीक है, और भी जो भी चीज़ आप लोगों ने देखी हो, तो भाई मैं वैसे आपसे पूछना भी चाहूँगा। और अभी भी ये लॉकडाउन हो गया, नहीं तो हम लोगों ने सोचा था एक काफ़ी अच्छा अच्छे लेवल का टूर्नामेंट कराएं रोहतक में दोबारा, और लास्ट टाइम भी काफ़ी अच्छा टूर्नामेंट हुआ था हमारा, 6-6 प्लेयर का अनरेड का, उसमें जयपुर फर्स्ट आए थे जयपुर वाले भाई अपने कमल भाई, दिनेश भाई, भाई अंकित जून अल्टीमेट कहते हैं ना, अल्टीमेट सेंटर है, अल्टीमेट प्लेयर है भाई, सेंटर ही नहीं जहाँ मर्जी खिला लो उसको, अनरेड में सबसे बेस्ट सेंटर अंकित जून है ठीक है। और दूसरी सेकंड थिंग अंकित का भी भाई ये देखो, अब मान लो हम खेलने लग जाए ड्रॉपिंग, तो अंकित भाई इतने सक्सेस नहीं है उस चीज़ में, बिल्कुल भाई डेफिनेटली हमारा ग्राउंड को लेके, लाइट को लेके, हर चीज़ को लेके काफ़ी अल्टीमेट ग्राउंड हमारा, सभी लोगों ने देखा भाई मंचल, आज के टाइम मंचल का जो गेम हो रखा है काफ़ी अल्टीमेट गेम है मंचल भाई का, काफ़ी अच्छा सेंटर है, काफ़ी फोर्स है उसके पास, और मतलब जहाँ भी मतलब नेट की हाइट कम रहती है वहाँ पे मतलब मोस्टली चांस रहता है मंचल भाई के जीतने का, मैंने देखे हैं लास्ट एक दो टूर्नामेंट खेलना बंद किया उससे पहले देखे मैंने मंचल के, काफ़ी अच्छा सेंटर है भाई मंचल। तो दोस्तों अभी जो बात, अरे नमस्कार बिल्कुल विपिन भाई, तो हमारे गुरु जी है राजेश रमेश भाई, उन्होंने खेलना सिखाया था हमें। तो भाई दोस्तों फिर से वही कहना चाहूँगा, एक तो ये जो पॉलिटिक्स खेलते हैं ना इस गेम में, भाई गेम खेल लिया रो, पॉलिटिक्स खेलना बंद कर दो, इस गेम का फ्यूचर देखना है तो ठीक है, गेम खेलने आया करो, पॉलिटिक्स खेलना बंद कर दो ठीक है।
अपना आओ, टीम लेकर आओ, डिसाइड कर लो, पंचायती ओपन जो मर्जी है, ठीक, खेल लो, जीतो, गट्स रखो, जीतेंगे, बस यही दो तीन चीज़ होनी चाहिए यार प्लेयर में, गट्स होने चाहिए जीतने के, गट्स है तो जीतेगा। और ये भी हो, मतलब कल परसों भी जैसे वो एक भाई कह रहा था कि भाई नीरज ने भी अपने लाइव में कहा था कि भाई दोनों टीम में प्लेयर तो छः छः या सात सात ही होते हैं, ऐसा थोड़ी होता है जो टीम जीतती है उसमें आठ या दस प्लेयर खेलते हैं, खेलते तो बराबर के भाई, जिसमें गट से जीतो, ठीक है। तो ऐसा कुछ नहीं है, अगर ओपन भी करना है तो ओपन का भी एक फॉर्मेट बना लो अपना, जैसे कह देते हैं ना कि ओपन में भाई वो चार पांच टीम की एक टीम बना लेते हैं, खैर ऐसा हो भी रहा है, चार पांच टीम की एक टीम बना के आ जाती है ओपन में। और पहले मतलब जब मैंने खेलना स्टार्ट किया था उस टाइम याद है मुझे, आज के टाइम वो टीम नहीं, उन लोगों ने खेलना ही बंद कर दिया अपना, इधर खरखोदा के पास नारा नारी की, अच्छा गोपालपुर की, ठीक है, कई टीम होती थी इधर हमारे यहाँ पे, मतलब मेरी याद में जब से मैं देख रहा हूँ, जब से टूर्नामेंट होती आ रही है हर एक साल, और काफ़ी अच्छी अच्छी टीम खेलती थी उस टाइम ना, ये जो भी है भसड़बाजी चलती है कुछ भी नहीं था। संदीप हुड्डा के बारे में मैं बता चुका, फिर बता दूं, काफ़ी अच्छे इंसान तो हैं ये, ठीक है, और काफ़ी अच्छे हमारे ग्राउंड के, मतलब वो कहते हैं ना कैप्टन कूल, जैसे धोनी को कहते हैं, तो संदीप हुड्डा हमारे ग्राउंड के कैप्टन कूल है। और नीटू भाई साहब हमारे, काफ़ी कल उनका जन्मदिन भी था, और काफ़ी अच्छे इंसान है नीटू भाई साहब, वो सब कुछ सारी चीज़ों को थोड़ा डिसिप्लिन में रखते हैं हमारे ग्राउंड की, और काफ़ी अच्छे वो ड्रॉपिंग भी, काफ़ी अच्छे हमारे स्कोरर रहे हमारे ग्राउंड के। बिल्कुल डेफिनेटली रमेश भाई, अब आज लाइव मैं आ रहा हूँ, कल कोई और नया भाई आएगा लाइव, सारे अपने अपने व्यूज़ तो दे देंगे, पर इस पे फोकस करें, इस पे कुछ स्टेप लिया जाए, जब भी तो फ़ायदा है ना, जब भी तो कुछ हो सकता है, ऐसे खाम खा क्या फ़ायदा है। आज मैं अब यहाँ पे बड़बड़ कर रहा हूँ, कल कोई दूसरा भाई आएगा, मेरे से पहले 10-12 भाई ऐसे कर चुके, फ़ायदा क्या, कुछ नहीं है, ठीक है। ये तो वही है कि एक घंटा टाइम पास करके निकल जाओ भाई, जब तक इस पे कुछ स्टेप नहीं लिया जाएगा कोई फ़ायदा नहीं है भाई। राम राम आसू भाई, चक दे भाई के साथ भी काफ़ी खेला हूँ मैं, काफ़ी अच्छे प्लेयर हैं, और चकदे भाई की खास आदत है, भाई का मतलब सहन नहीं होया अगर उसको कोई बोल मार दे। और जो दानवीर भाई है इसके बारे में तो कहूँ ही क्या यार, हमारे सेंटर काफ़ी खेला हूँ मैं दानवीर भाई के साथ, काफ़ी मतलब जितना भी मैं बाहर अंदर खेला हूँ मेरी टीम के सेंटर दानवीर भाई रहे हैं, जब मतलब हमने ड्रॉपिंग भी खेला है, ड्रॉपिंग के भी सेंटर और अंडर एंड के भी सेंटर हमारे दानवीर भाई रहे हैं, और काफ़ी टूर्नामेंट जीतवाई है दानवीर भाई ने हमें। अरे आ गया जयदीप, ये जयदीप भाई देखो छोटा भाई अपना, वही तो देखो मैं अपनी बता दूँ, मैंने तो इस गेम से क्या मतलब, मेरे को तो क्या मिला इस गेम से, मेरे को 5, 8, 10 जितने भी मेरे अच्छे दोस्त हैं, अच्छे भाई हैं, वो मिले मुझे इस गेम से, उसमें से एक जयदीप है। बिल्कुल बिल्कुल विनय भाई, ग्राउंड वालों सभी को आपकी बिल्कुल राम राम पहुंच जाएगी, ठीक है। तो मैंने तो और कुछ नहीं भाई, जो मेरे दोस्त बने हैं इस खेल के थ्रू, बस यही कमाया दोस्त मैंने तो। जयदीप है मेरा, देखो मैं बता दूं, अच्छा काला भाई है मेरा, यही काफ़ी अच्छे दोस्त है मेरे, गौरव है, नवसाद है मेरा, तो भाई कह लो उसको दोस्त, क्या भाई है मेरा भाई। मनीष भाई लेफ्टी, क्या हाल है भाई मनीष है, देखो ये लेफ्टी लड़का, एक टाइम नेट खेलता था सांपले का, आज इसको शायद नहीं जानते होंगे आप लोग, काफ़ी अच्छा नेट खेलता था ये दोस्त। तो भाई रमेश भाई मेरा यही मानना है, हरियाणा में कृष्ण जून भाई हरियाणा में बता तो दिया, 6 प्लेयर का अंडर एंड होना चाहिए ओपन या पंचायती, डिसाइड कर लो ये कि फॉर्मेट कौन सा होना चाहिए, नेट की हाइट 7-10 बेस्ट है, टोचन वोचन कुछ नहीं, कैंची वैची फाउल कुछ नहीं, हर जगह सेम रूल से खेलेंगे, थोड़ा फ्यूचर दिखेगा इस गेम का, अदरवाइज कोई फ़ायदा नहीं है भाई, ठीक है। और ये लाइव आने का जो मकसद है यार, इस पे फिर वही है ना, इस पे वर्क हो जाए भी तो फ़ायदा ना लाइव आने का। अब मैं यहाँ पे आप लोगों को, आप मेरे से पूछ रहे हो, मैं आपको बता रहा हूँ अपने पॉइंट ऑफ व्यू, इसका फ़ायदा जब ही है ना, जब इस पे कुछ हो, समझ रहे हो ना।
ड्रॉपिंग तो देखो मैं बता दूं, ड्रॉपिंग तो रही नहीं। अरे विपिन भाई साहब नमस्कार भाई साहब, बिल्कुल बढ़िया, आप बताओ कैसे हो? काफ़ी लेट आए भाई साहब, आपकी काफ़ी चर्चा हो रही थी। अरे सोनी राम राम भाई, कैसा है? बिल्कुल 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 भाई साहब, देखो आप मेरे हिसाब से सभी जो अपने विपिन चहल है वॉलीबॉल जगत में सभी जानते होंगे, सभी इससे इंट्रोड्यूस होंगे विपिन भाई साहब से। राम राम भाई, हरिओम भाई, राम राम। तो मेरा तो देखो यही मानना है, अगर इस गेम का कुछ फ्यूचर देखना है तो हमें सपोर्ट करना चाहिए अपने विपिन चहल जी को, ठीक है? ये काफ़ी हार्ड वर्क कर रहे हैं इसके ऊपर, और मतलब सुनने में आया था जैसे बता रहे थे अपने विपिन चहल जी कि इसका कुछ IPL वगैरह भी करवाएंगे। हाई ड्रॉपिंग गेम अच्छा तो है, एक बात तो बताओ मुझे, आप लंबे स्कोरर है, टीम तो नहीं आती, टीम कहाँ रही है भाई? ड्रॉपिंग कर तो ले, टीम कितनी भाई, सिलेक्टेड टीम आती है 10-12, उसमें से जिसके पास लंबा स्कोरर है वो जीत जाते हैं। तो भाई ड्रॉपिंग का तो फ़ायदा नहीं है ना दोस्त। ड्रॉपिंग में देखो नीटू भाई है अपने UP के, राजेश भाई करनाल, ठीक है, बाबा बहादुरगढ़, अश्विन सोनीपत में खेलते हैं, अपना कमल भाई है, अरे है जयदीप, मजे ले नहीं थे भाई, हर जिसे भाई है सारे खेलना सीखा था यार। जयदीप भाई है, काफ़ी अच्छा सेंटर है, साइड है, फोर्स है लड़के के हाथ में, और शादी होगी इसकी, आप लोगों को पता ना हो तो बता दूं, और भाई की का भाभी काफ़ी अच्छी है हमारी। तो दोस्तों देखो इस गेम का फ्यूचर, टीम भी जब निकल के आएगी इस गेम को ट्रेंड कंटिन्यू रखेंगे, ठीक है? अब ऐसे कोई फ़ायदा नहीं है, कोई कह रहा ड्रॉपिंग, कोई अनरैंड, कोई जंप, कोई कुछ, तो अगर टीम सामने निकल के आएंगी इस गेम का फ्यूचर देखना है, रूल डिसाइड कर लो 6 प्लेयर का, ठीक, और अनरैंड चालन दो जिसमें गट्स है, नेट की हाइट नीचे रखो, और अपना जिसमें गट्स है मारो शॉट, मैं जीतो, टूर्नामेंट जीतो, बस इससे अलग कुछ नहीं है। और जो ये पॉलिटिक्स खेलते हैं जितने जो भी है जिसमें XYZ, ये खेलना बंद कर दो, ठीक है? गेम भाई वही है, खेले से जीता जाएगा भाई, दिमाग से थोड़ी जीता जाता है, कि जो एक्स्ट्रा दिमाग चलाते हैं कि भाई ये रूल बना दो, हैं जहाँ पे जिसकी थोड़ी बहुत, पहले पहले क्या होता था मैं बता दूँ आपको, जिसकी जहाँ भी थोड़ी चलती थी ना जिस टूर्नामेंट में, वो वहाँ पे वैसे रूल करवा देता था। इसमें मैं बताना चाहूँगा बुंडू कलाकार था इस मामले में, काफ़ी बुंडू की जीत चल करती, अपने हिसाब से रूल करवा दिया करता, अपने हिसाब से पूल सिस्टम, मतलब बुंडू क्या काफ़ी सारे ऐसे ही करते थे। राम राम भाई, राहुल छोटे भाई कैसा है? हाँ बिल्कुल बिल्कुल भाई साहब, आओ कभी मिलो, जयदीप की तरफ से मैं पार्टी दूंगा आपको, मैं मिठाई खिलाऊंगा आपको डेफिनेटली। होंगे भाई बिल्कुल होंगे, आपके साइड खेलते होंगे, बट आपने बात की थी ऑल ओवर हरियाणा की, तो हरियाणा में भाई बेसिकली सबसे ज़्यादा टूर्नामेंट में बता दूँ रेवाड़ी साइड होते हैं जहाँ तक मुझे पता है, ठीक है? अपने दिल्ली NCR में सबसे ज़्यादा टूर्नामेंट रेवाड़ी साइड होते हैं, और उस साइड बिल्कुल क्या है कि अपना अंडरहैंड ही चलता है भाई, और अंडरहैंड में टीम आती है। अब देख लो, मैं बिल्कुल बढ़िया राहुल भाई। तो भाई कृष्ण जून मैं बता दूं आपको दोस्त, अगर इस वही है ना बात, फिर वही आती है जैसे आपकी टीम ठीक होगी, मुझे खैर नहीं मालूम आपकी टीम कहाँ से हो भाई, आप नहीं जानता मैं आपको, बट मेरा तो वही है भाई, पर्सनल व्यू यही है मेरा कि भाई ड्रॉपिंग में खेलो, ड्रॉपिंग मतलब वही है ना, डिसाइड करो ना भाई, चलो ड्रॉपिंग खेलना आप लोगों को, ड्रॉपिंग डिसाइड कर लो, पर पता तो होना चाहिए भाई कि ड्रॉपिंग ही चलेगा, फिर फ्यूचर ड्रॉपिंग में मतलब फ्यूचर में ड्रॉपिंग ही खेला जाएगा, तो वो चीज़ डिसाइड कर लो ना पहले। अब कोई आपने जैसे बोल दिया कि ड्रॉपिंग बेस्ट है, तो ड्रॉपिंग खेलने का फ़ायदा जब भी है ना, जब कुछ हो इसमें,
बिल्कुल बिल्कुल, यही तो रूल है। फोगाट भाई साहब नमस्कार, किद गायब हो गए थे, आए थे आप बीच में। फोगाट भाई साहब देखो कितने अच्छे टूर्नामेंट कराते हैं और कितने अच्छे इंसान हैं, दिल खुश इंसान है बिल्कुल, ठीक है। और विपिन भाई ने कितना अच्छा कमेंट लिखा, विपिन भाई साहब ने हमारे ने, कि बस मतलब वही है, हर एक आके कह जाता है कि भाई हर एक उससे पूछते हैं कि क्या फॉर्मेट होना चाहिए, क्या इसमें होना चाहिए। तो बेसिकली यही है दोस्तों इसमें, कि अपना 6 प्लेयर का अंडर हैंड कैची फाउल टोचन बंद, बस हो गया रूल डिसाइड। पर इस पर थोड़ा फोकस करो ना, इसको अर्जेंगे यही रूल से खेलो, जब भी मजा है ना खेलने का। पन्ने खोलेंगे भाई, रमेश भाई खोलेंगे पन्ने। भाई साहब नमस्कार, ये देखो हमारे डॉक्टर साहब है, काफ़ी अच्छे, जहाँ भी देखा हो आप लोगों ने रेफरी है, काफ़ी अच्छे ये और काफ़ी अच्छे इंसान भी है। बिल्कुल बढ़िया हूँ भाई साहब, आप बताओ कैसे हो। तो दोस्तों देखो मेरा लाइव आने का, या फिर जो भी भाई लाइव आ चुके हैं या फिर आएंगे, उनका फ़ायदा लाइव आने का जब भी होगा, जब इस पर कुछ मतलब इस पर कुछ स्टेप लिया जाएगा। अब मैं यहाँ पे आपके साथ, ये तो है नहीं कि एक घंटा टाइम पास करने आया हूँ, समझ रहे हो ना। और कैची फाउल नहीं, हाफ कैची फाउल नहीं होना चाहिए वो भी भाई, मैं भी यही कह रहा हूँ, कैची फाउल होना चाहिए, फिर तो रेफरी के हाथ में रह जाता है गेम। और फिर वही बात आ जाती है, जिसकी जहाँ चलती है वो अपने हिसाब से सेटिंग करता है और जीतते हैं टूर्नामेंट। तो कैची पैंची ये ड्रामे ये सारे बंद करो, ठीक है, और अपना एक बढ़िया सा फॉर्मेट बनाओ, डिसाइड कर लो अंडर हैंड खेलना तो अंडर हैंड, 6 प्लेयर तो 6 प्लेयर, नेट की हाइट जो मर्जी रखो, ठीक। नहीं तो वही बार बार मैं तो वही एक बात रिपीट करूँगा, वही 11,000 की। भाई हमारे दिनेश के बारे में बताओ कुछ, भाई दिनेश भाई काफ़ी अच्छे प्लेयर है, काफ़ी अच्छे बड़े भाई हैं, उनके साथ काफ़ी मज़ा आता है जहाँ भी टूर्नामेंट में जाते हैं फोगाट भाई साहब, और काफ़ी अच्छे स्कोरर भी है। मैं बता दूँ आपको, एक सावधा में टूर्नामेंट हुई थी 5-5 की, तो दिनेश भाई मेरे साथ ही खेले थे, काफ़ी अच्छी स्कोरिंग की थी उन्होंने, और इंसान तो है ही लाजवाब फोगाट साहब, अपने दिनेश भाई, दिनेश छिल्लर जी। अब वही तो बिल्कुल, कैची फाउल बंद, अपना जिसमें गट्स है शॉट मारो जीतो, बस दैट्स ऑल। फालतू ड्रामा, फालतू ये बकवासबाजी और कुछ नहीं। और टूर्नामेंट मतलब जहाँ तक हो सके जो भाई भी टूर्नामेंट कराए फेडरेशन के अंडर कराने की कोशिश करे, जिससे रूल सारी जगह सही हो, मतलब सेम रूल से चले। हाँ बोबी भाई ने यही तो बोला है कि फाउल नहीं होना चाहिए। तो देखो जो भाई भी टूर्नामेंट कराए इन फ्यूचर, डिसाइड करो फेडरेशन के अंडर टूर्नामेंट हो, ताकि हर जगह सेम रूल से खेला जाए। और मतलब इसमें कोई दिमाग लगाने वाली बात नहीं, सारी बेसिक बातें हैं। अब वही है ना, आदमी सोचता है कि मैं ऐसे रूल बनाऊं कि मेरी टीम जीत जाए, तो ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं, जो अच्छा खेलेगा जीतेगा वही। सो दोस्तों मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू बता चुका हूँ इस पर, बस वही है फोकस करो, जितने हमारे सीनियर खिलाड़ी हैं, एक अच्छी सी जो भी फेडरेशन बन रही है चल रही है, सारे उसमें कमेटी बैठाओ, रूल डिसाइड करो, और उसके बाद ही कुछ फ्यूचर है। नहीं तो वही है अपना 5-4 साल और खेल लोगे, जो जो भाई जी जिसकी टीम भी बढ़िया है, उसके बाद वही है ना, घर का कुत्ता मतलब वो घर का तो भी ना, बाहर का भीतर का जो भी है वो काम हो जाएगा।
अरे सर कैसे हो। बिल्कुल बढ़िया सर। ये राजेंद्र जी अपने ये आए थे, जो मैंने एक टूर्नामेंट आप लोगों के साथ शेयर की थी, एक टूर्नामेंट जो बारिश में हुई थी, सुनील भाई ने जीती थी, रोहतक में हुई थी, 11,000 की। उसमें अपने राजेंद्र भाई टीम लेके आए थे। वही तो प्लेयर होना चाहिए, ये पॉलिटिक्स दुनिया खेलती है सबसे। देखो अपना इंडिया क्या है, इंडिया चलता है, इंडिया में क्या होता है, इंडिया में चलते हैं जुगाड़। और फिर कोई भी फॉर्मेट आ जाए, वॉलीबॉल कह लो ठीक है, या कोई बिजनेस कह लो, या कोई और गेम कह लो, उसमें सारे फिर लोग जुगाड़ भिड़ाते हैं। जुगाड़ भिड़ाना बंद कर दो भाई, खेलना तो अपना ढंग से खेलो, जीतो ठीक। फालतू ये चोचलेबाजी जो भी करे ना, कि ये वहाँ पे नेट ऊंचा कर दियो, वहाँ पे ये कर दियो, वहाँ पे ये रूल अटैक लाइन कर दियो, ये ड्रामे बंद हो जाएंगे ना जिस दिन, उस दिन इस गेम का कुछ फ्यूचर निकला होगा। नहीं तो वही जैसे चलता है ऐसे चलता रहेगा भाई। तो दोस्तों अगर किसी भाई का और कुछ पॉइंट ऑफ व्यू है या कुछ पूछना है तो ठीक है। बिल्कुल बिल्कुल, राजेंद्र भाई काफ़ी लेट आए हैं। तो दोस्तों चलो, अगर कुछ किसी भाई को या फिर किसी को मेरा पॉइंट ऑफ व्यू अच्छा नहीं लगा हो तो उसके लिए सॉरी बोलना चाहूँगा। और अगर किसी भाई का कुछ और कुछ बोलना हो, बिल्कुल राजेंद्र भाई, ईमानदारी है तो नहीं ना, सारे कमीन भरे पड़े हैं इसमें, वॉलीबॉल में सारे दिमाग लगाए जाए भारत है यार भाई। नू नू कर लियो, नू कर लियो, इस तरह भाई खेले तो जीता जाएगा राजेंद्र भाई। वही है ना, ईमानदारी कुछ नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल विपिन भाई साहब, आपकी बात बिल्कुल सही है। और विपिन भाई जैसे सभी पूछते भी है, रमेश भाई ने भी पूछा कि वो पन्ने खोल दो आईपीएल वाले, तो थोड़ा सा कुछ उसके बारे में बता देते, जितने भाई अब देख रहे हैं लाइव देख रहे हैं तो नहीं पता लग जाता। अपने विपिन जी मैं बता दूं आपको, जल्दी ही कुछ इसका कर रहे हैं प्रोग्राम, बिल्कुल वो भी भाई पेट में कुछ करी कैया के दर्द रहे आगर है ठीक है। अरे यो पेट का दर्द ऐसा है, यो दर्द कोने का कीड़ा, और कीड़ा वैसे वाला कीड़ा है यो जो निकले कोने ठीक, यो काटना ही पड़ेगा। वो भी भाई वो वैसे निकले नहीं का, काटना पड़ेगा यो कीड़ा, उसके बाद कुछ होगा। खाम खा की ये पॉलिटिक्स ये ड्रामेबाजी बंद हो जाएगी तो कुछ हो जाएगा, अरना तो भाई अपना करो 8-10 टीम की एक टीम बनाओ और जाओ और टूर्नामेंट जीतो और दैट्स ऑल। अब मेरे दिमाग में मैं बताना चाहूँगा आपको कि पहले क्या हुआ। जब आप लोगों को वैसे पता है ये पंचायती कहाँ से स्टार्ट हुआ, चलो पंचायती के बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं। मेरे याद में मैं बता दूँ आपको, एक अपने कैर की टीम होती है, मतलब है अभी भी, अपने महेशपाल भाई साहब हैं उनकी टीम है, तो अपना झज्जर साइड अंडरहैंड की टूर्नामेंट होती थी, वो भाई जीतते थे ठीक है। तो उस टाइम भोंडू का सिक्का चलता था काफ़ी अच्छा, और भोंडू साइड जाता और अपना क्या करता भाई, वही है जाता जीतता और टूर्नामेंट कुछ नहीं। तो अपने महेशपाल भाई ने ट्रेंड का रूल लेके आए,
ठीक है, तो मैं एक बात पूछना चाहूँगा। चलो पंचायती करवा दिया आपने, पंचायती रूल करवा दिया, तो महेशपाल भाई आपको भी सारी जगह जहाँ भी टूर्नामेंट होती है अपने लोकल में दिल्ली NCR में अपनी टीम लेके आनी चाहिए ना। रूल आप डिसाइड कर रहे हो महेशपाल भाई कि भाई ये रूल होने चाहिए, पंजाब के रूल अच्छे हैं, हिसार साइड के रूल अच्छे हैं, ठीक है, तो उस हिसाब से फिर आपकी भी तो टीम पार्टिसिपेट करनी चाहिए ना हर एक टूर्नामेंट में। तो वही है ना कि अभी क्या है कि उन्होंने रूल तो बना दिया पंचायती। हम महेशपाल भाई की टूर्नामेंट में गए थे, थर्ड रहे थे, काफ़ी 4-5 साल पहले की बात है, ठीक है। उसके बाद अगले साल उन्होंने फिर टूर्नामेंट कराया, उसमें उन्होंने कर दिया कि शहर की सिटी की टीम एक सेक्टर एक कॉलोनी की होनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद एक रूल ये आया कि शहर की टीम की एंट्री ही नहीं है। उसके बाद फिर नया रूल अब क्या है कि शहर की टीम में शहर के खेलो, तो भाई उस हिसाब से नहीं चलेगा ना। पहले डिसाइड कर लो ना रूल क्या है। अब वो अपने इधर जैसे आपने देखा हो काफ़ी टूर्नामेंट, काफ़ी अच्छी टूर्नामेंट रहती है अपनी इधर कैरगांव की टूर्नामेंट, पर क्या है वहाँ पे आपने देखा, एक एक याद हो तो आप सभी भाइयों को, एक दादरी में टूर्नामेंट हुई थी और 4-3 की टूर्नामेंट थी, 4 पंचायती 3 बाहर के, ठीक है। उस टूर्नामेंट में क्या हुआ था, अपना इसका बिट्टू का नेट था, बिट्टू के नेट पे रस्सी बंधवा दी थी, ठीक है, इसलिए कि हमारी लोकल NCR की टीम नहीं जीतनी चाहिए, बाहर की टीम जीतनी चाहिए, क्योंकि अपने 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 NCR में क्या होता है, अपने NCR में पट्टी का गेम चलता है, सभी को पता है, नीट है, पुंदर है, बढ़िया पट्टी मारे ये, ठीक है। तो वहाँ पे वो कर दिया था बिट्टू के नेट पे, ऊपर रस्सी बंधवा दी थी कि पट्टी ख़त्म हो जाए। तो भाई वही है ना, आपने पहले अपनों में अपना में कमी है, तब तो बाहर के ने किए कहेंगे हम, अपने NCR में कोई रूल नहीं ढंग का। अब लास्ट मुझे याद है जो टूर्नामेंट हुई थी कैर में, उसमें अपने तो दोनों लोकल टीम जीती थी शायद, अपना चकदे भाई की और पथरेड़ी अंकित भाई की टीम जीती थी, ठीक है। रूल मतलब ये मैं आपको बता दूं, किसी भाई ने आज तक शायद बात नहीं करी होगी इसके ऊपर और ना ही शायद कोई करे, तो वही है पुंदर भाई भी, फिर भाई साहब के कहूँ पुंदर तो मोलज पुलज है, प्लेयर तगड़ा है, पट्टी मार मार के गेम बहुत जितवा रखे हो भाई पुंदर ने, ठीक। जब गेम लगता था कि बस जा चुका हाथ से, उस टाइम अपना पुंदर भाई आता सेंटर, बोला मैंने सेंटर खेलने दो भाई, और मार मार पट्टी पुंदर भाई ने कैर की, कैर कह रहा हूँ, निमोट की टूर्नामेंट मुझे याद है, अपना जयपुर के साथ मैच था, पट्टी मार मार के एक तरफा जितवा दिए थे भाई ने, और वो टूर्नामेंट हम फिर फर्स्ट भी आए थे जब ये भाई भाई क्लब बने हुए थे, उसकी बात कर रहा हूँ, उस टूर्नामेंट की बात कर रहा हूँ मैं। तो पुंदर का गेम तो सभी को पता है, पट्टी का अल्टीमेट है, डेड पट्टी मारा करता पुंदर भाई अपना, आजकल चंडीगढ़ पंजाब की हवा ले रहा है। आई थिंक काफ़ी हो गया होगा दोस्तों आज के लिए, चलो दोस्तों अब किसी भाई को कुछ बुरा लगा हो तो उसके लिए सॉरी, और अगर मेरे पॉइंट ऑफ व्यू जो भी मैंने रखे आप लोगों के सामने कि भाई एक बार फिर रिपीट कर दूं मैं कि 6 प्लेयर का फॉर्मेट होना चाहिए, ठीक है, 6 प्लेयर हो, अंडर एंड हो, नेट की हाइट 7-10 मेरे हिसाब से बेस्ट है, मेरे क्या सभी के हिसाब से बेस्ट होगी, एंड सेकंड थिंग ये जो टोचन वोचन कुछ नहीं, हाँ बिल्कुल बॉबी भाई आप थे बिल्कुल पथरेड़ी की टीम में जब आप पंचायती खेलते थे, उधर फाइनल जीते थे हम आपसे, जीते थे अंकित भाई से, याद है काफ़ी अच्छी। निमोट की मैं बता दूँ, निमोट की टीम भी मैं पर्सनली मुझे काफ़ी पसंद है, मतलब काफ़ी अच्छी टीम है, हाली भाई है, उम्मीद है,
और भी दो तीन भाई है, सारे काफ़ी अच्छा खेलते हैं और टूर्नामेंट भी काफ़ी अच्छी रही है। रोहतक विशाल नगर की मैं बता दूं, जो भी आज के टाइम नए प्लेयर हैं इन लोगों को खैर पता ही नहीं होगा, विशाल नगर की भी काफ़ी अच्छी टीम रही है पुराने टाइम पे, जिस टाइम सांपला की टीम होती थी, ठीक है, अपना क्या कहते हैं गोपालपुर की साइड की गढ़ी की साइड की टीम होती थी ना, उस टाइम पे काफ़ी अच्छी टीम रही है विशाल नगर की भी, और आज भी काफ़ी अच्छी टीम है, पंचायती भी काफ़ी अच्छी टीम है। बस वही है, हमारे ग्राउंड का क्या है कि थोड़े से सीनियर प्लेयर है जो कि अपना जो बिजनेस जो भी करते हैं उसमें थोड़ा बिजी रहते हैं, तो उस कारण टाइम नहीं दे पाते, टूर्नामेंट में नहीं आ पाते। बाकी काफ़ी अच्छे अच्छे प्लेयर हैं हमारे ग्राउंड विशाल नगर में भी, और जैसे हमारे ग्राउंड के भी पिंचैल जी है, सतपाल जी मामा है मेरे, वो मैं हो गया, और भी एक दो भाई है बाहर अंदर खेलते हैं, तो काफ़ी बिल्कुल बिल्कुल बॉबी भाई बिल्कुल मारी थी उस फाइनल मैच में, बॉल मारी थी और जीते थे हम लोग। अरे सौरभ बढ़िया भाई, तू बता कैसा है। सो दोस्तों चलो बाय बाय कहने का टाइम आ गया, और बस यही है मेरी ओर से सभी भाइयों को कि भाई एक अपनी फेडरेशन बना लो, फेडरेशन के अंडर टूर्नामेंट कराओ, जब भी ये गेम में कुछ फ्यूचर है, नहीं तो वही अपना 11-21 हज़ार 31 हज़ार की टूर्नामेंट खेल ले जाओ, 4-5 साल खेल लो ना, फिर थम की कुछ करणगे रहोगे, ठीक, और जो भाई समझदार हो खेलना बंद कर गए। बिल्कुल बिल्कुल बॉबी भाई, सभी को बिल्कुल नमस्कार बोलूँगा आपकी साइड से, और जल्दी कोशिश करेंगे काफ़ी अच्छी टूर्नामेंट कराएं विशाल नगर में, आप सभी लोगों को फिर से बुलाएं। बिल्कुल ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच भाई साहब। तो चलो दोस्तों अलविदा लेने का टाइम आ गया, एंड सॉरी अगर कुछ किसी को गलत बोला गया हो या फिर किसी को कुछ गलत लगा हो, एंड थैंक यू सो मच, आप लोगों ने मुझे काबिल समझा लाइव आने के लिए, एंड थैंक यू, ऑल द बेस्ट गाइज़।